वेलकम साथियों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट को पढ़ाने के लिए। देखिए है क्या, कल रात को मेरे पास रिकॉर्डिंग आई थी एक व्हाट्सएप के जरिए, जिसमें एक स्टूडेंट ने अपनी प्रॉब्लम को लेकर PMFF अर्थात दोस्तों NSPM पेमेंट को लेकर सभी के सभी नॉलेज पूछा था। उन्होंने उनको कुछ बताया भी था। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, कैसे क्या करनी है नहीं करनी है फ्रेंड्स। लेकिन बता दूं फ्रेंड्स कि आपको ये पूरी पूरी ऑडियो जो है वो आपको मैं आपको दे दूंगा लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप लोग जाकर देख लेना। उसमें मैं आपको पूरी ऑडियो वहाँ पर मतलब कि है सबमिट किया हुआ है, मतलब उस चैनल पर। और आपको अपने वीडियो के अंदर में मैं आपको आधा वीडियो सुना देता हूँ, आधी ऑडियो, बाकी ऑडियो उनके पास अवेलेबल है, जाकर वहाँ से देख लेना। मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से पूरी ऑडियो सुन लेना है, जिसके तहत में जाकर उन्होंने बात किया था NSP वालों के सेंटर से कि कैसे क्या करना पड़ेगा सर, और कैसे कैसे स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि आप लोग का पेमेंट क्लियर हो पाएगा, और किस ईमेल में भेजना है वो सभी के सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। जाकर आप मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, जाकर वहाँ से देख लेना। फिलहाल दोस्तों आप आधी वीडियो ऑडियो सुन लो। हेलो। हाँ सर, आप बोले हुए थे बात करने के लिए सर। हाँ बोलिए ना सर। बोल रहे हैं कि मैं पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं तो अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक अकाउंट दिखा रहा है सर आज 10 दिन से। अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक अकाउंट दिखा रहा है 10 दिन से। कौन सा बैंक अकाउंट है? बैंक ऑफ बड़ौदा सर। बैंक ऑफ बड़ौदा का है जी। तो ये आप कहाँ पर देखे? नो योर पेमेंट में देखे? नो सर, NSP ट्रैकर पर देखे सर। हाँ तो उस पर देखे है ना, तो वो जो है NSP वाले से ही पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग तो PFMS से है ना, हम लोग का तो पोर्टल है जिसका लॉगिन आईडी उसके पास है, ठीक है जी। वो आपका बेनिफिशियरी में नाम डालता है, नाम PFMS पर डालता है, PFMS उसको वैलिडेट कर देता है कि हाँ ये अकाउंट सही है, समझे ना। उसके बाद वो अपने लॉगिन आईडी से अपना नाम जोड़ने के बाद जो है ना वो आपको पैसा डालेगा, ठीक है। वह जो करेगा सो वही करेगा, हम उनके पास कुछ नहीं होता है। हम आपको एक रास्ता ये बताते हैं कि PFMS लॉगिन आईडी में आप जाके नो योर पेमेंट देखिए, ठीक है जी। PFMS में लॉगिन कीजिए तो आएगा नो योर पेमेंट, उसको खोलिए, उसमें आप अपना बैंक अकाउंट डालिए, समझे ना, बैंक का नाम डालिए और कैप्चा डालिए, ठीक है जी। आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है सर। उसी में दिखा रहा है सर, उसमें भी यही दिखा रहा है अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक CBS। बैंक CBS, अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक CBS है जी। ऐसा तो करो बाबू कि आप अपना अकाउंट चेक कर लो, कहीं हो सकता है पैसा आ गया हो, कभी कभी पोर्टल डिलेट रहता है ना इन्फॉर्मेशन, अपना अकाउंट पासबुक अपडेट करा के देखो ना कि क्या स्थिति है, ठीक है। हो सकता है अकाउंट में आ भी गया हो, ठीक है ना, कभी कभी रीडिंग में दिक्कत होता है जी। देखो एक बार, उसके बाद जो है ना नहीं अगर आता है तब जो है उसका स्क्रीन शॉट जो है ना लगा के BiharPFMS1@gmail.com पर भेजो, अपना नाम टेलीफोन नंबर सब लिख के भेजो, हम लोग देखेंगे कि हम लोग की तरफ से पार्ट से गलती है या तुम्हारा वहाँ से स्कॉलरशिप तरफ से गलती है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ओके। तो फ्रेंड्स जो आपने ऑडियो सुना है वो ऑडियो बस एक डेमो है, ठीक है। ये ऑडियो इसका एक पार्ट और है, ये बस आप मैं डेमो, इसमें कैसे से क्या करना है वो आपको जाके मैं वीडियो का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि वहाँ से देख लो आप लोग कैसे क्या क्या किया। और एक बातचीत और है जिसमें आपकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम उसमें बताई गई है, जाके वो ऑडियो सुन लो, ठीक है। मैं दे दिया हूँ लिंक। उसके बाद दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पर मैं रेगुलर लाइव रहता हूँ। आपको जानी है इंस्टाग्राम आईडी पर, जाकर वहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करनी है एजुकेशनल RK पॉइंट, जाकर वहाँ सर्च करोगे फ्रेंड्स तो आपको मेरी मतलब वीडियो निकल के आ जाएगी, मतलब मेरे चैनल का लिंक, जाकर वहाँ सर्च करना। उसके बाद दोस्तों आपको जो अभी दे रहा हूँ वीडियो उसका लिंक मैं अपने आई बटन में डाल दूंगा, जाकर वहाँ जरूर देखना। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी वो भी देख लेना, मैं उसका भी देख लूँगा। बस आज इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सब्सक्राइब करना, गुड बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।